बैठकर पाजामा पहनना सुन्नत है, फुकहा ने मुस्ताब लिखा है, और उसकी वजह यह है कि खड़े होकर पहनेगा तो गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। बहुत सी चीज़ें शरीयत में ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ अलूम से साबित होती हैं, और उसके लिए किताब व सुन्नत के हवाले तलाश करना किसी पागल का काम है, नहीं दिए जा सकते। शरीयत ने उसूल की बात बता दी कि वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में हमेशा आओ उसके दरवाज़े से। इससे मालूम हुआ कि दीवारें फलांग कर आना शरीयत से कोई अच्छा काम नहीं समझती। होता ये था कि अरब मदीना मुनव्वरा से हज को जाते थे, और जब वापस आते थे तो वो दरवाज़े से दाखिल नहीं होते थे। कहते थे गुनाहगार थे हम, गुनाहों के साथ इस दरवाज़े से निकले हैं, अब पवित्र होके पाक होके आए हैं, तो हम इस दरवाज़े से नहीं गुजरेंगे। फिर पीछे दीवार तोड़ी जाती थी और फिर आते। लखनऊ की तहजीब देख लो, मुद्दतों रही, अब तो खैर इतनी नहीं रही, लेकिन लखनऊ की तहजीब ये थी कि जनाजा जिस घर से उठता था पिछली दीवार तोड़ के दरवाज़ा बना के उससे जनाजे को गुजारते थे, और जो घर में आने जाने का दरवाज़ा है इससे नहीं लखनवी इस्तेमाल करते थे। कहते थे इसी से ज़िंदे गुजरते हैं, इसी से मुर्दा गुजरेगा, तो पता नहीं वो मौत हम पे ही ना आ जाए। अल्लाह ने अरबों को कहा कि वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में उनके असल दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो। ये क्या फजूल, ये एक कुल्लिया कायदा में मिल गया ना, इस कायदे से ये पता चला कि आदमी काम हमेशा उस तरीके से करे जिस तरीके से वो काम रस्म में या कौम के एतबार से या अपनी तसल्ली के लिए होता है, काम उस तरीके पे करने चाहिए। इससे पता चला कि धोती में गुड़ रख के उसे लोटे से तोड़ना ये दुरुस्त काम नहीं है। गुड़ को काटने के लिए छुरी भी है और चीज़ें भी हैं, आदमी उन्हें इस्तेमाल करें। और इससे मालूम हुआ कि बाल पॉइंट पेन से अजारबंद डालना जो आम तौर पे हॉस्टल्स में हुआ करता है ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। अजारबंद डालने के लिए कोई चीज़ है तो उससे डाला जाए, ये ना किया जाए। और इससे मालूम हुआ कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो अल्लाह ने उसे कहा है कि तरीके और कायदे से काम करो, उसे बुझाए और जाकर डस्टबिन में डाल दे। ये थोड़ा ही है कि दीवार से रगड़ के वहीं फेंक दिया ताकि उसकी बू से दूसरे भी महजूज हो। तो अल्लाह एक असूल दे देता है, एक कायदा दे देता है। अब कोई कहे कि सिगरेट को जो तुमने उधर जाकर फेंका है इस पर भी किताब, कहाँ से किताब सुन्नत यार, एक असूल खुदा ने दे दिया। फतवा सिर्फ किताब सुन्नत ही में नहीं होता, ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए। फतवा मुख्तलिफ अलूम से लेकर उसे फिर शरीयत की नज़र में देखा जाता। मसलन फुकहा ने यह लिखा है, इसकी हकीकत हमें नहीं मालूम, लेकिन फुकहा ने लिखा है कि जब भी इंसान बैतुलखला में बैठे तो बाएं तरफ का जो पाँव है घुटना इस पर ज़ोर दे के, वो पुराना जो इंडियन स्टाइल था उसके मुताबिक, और वो कहते हैं कि इस तरफ मैदा होता है और उससे इंसान को ज़्यादा जल्दी फरागत हासिल हो जाती है। अब ये फरागत हासिल जल्दी होती है नहीं होती, मैदा इधर होता है कि हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन इसकी असल किताब व सुन्नत से हरगिज़ नहीं मिलेगी, इसकी असल मेडिकल से मिल जाएगी। और वो ये मेडिकल में मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहलकु अनफुसकुम, अपनी जानों को हलाक मत करो, अपनी सेहत के यानी ख्याल किया करो, ना ऐसी चीज़ें खाओ ना ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी जान बर्बाद हो जाए, जिस्म को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो वो एक मसला जो है वो साबित तिब से हुआ। फुकहा क्या लिखेंगे, फुकहा लिखेंगे ये सवाब का काम है, मुस्तहब। सर्दियां आ गईं, हकीम कहेगा दही ज़्यादा ना खाया करें वरना आपको नज़ला हो जाएगा। इस पे अमल करना मुस्तहब है, अच्छी बात है, इससे कि इंसान की सेहत महफूज रहती है। अब वो कोई कहे कि इस पे कोई हदीस लाओ, कहाँ से यार हदीस लाएँ, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंपल बता दिया कि अपनी सेहत की हिफाजत करनी है, बस इतनी सी बात। तो इसलिए बैठ के पजामे को पहनना वो इस वजह से है कि उसमें आराम है, राहत है, ऐसे ना हो कि इंसान गिर जाए, ये चीज़।